ये सत्य में जयते है, आखिर सच्चाई की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत हुई है और ये मेरिट पे रिजल्ट दिया हुआ है। क्योंकि मैं पहले से कहता था कि लोकशाही में मेजोरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है और इसलिए आज स्पीकर ने जो फैसला सुनाया है ये लोकशाही में ये डेमोक्रेसी का जीत है। और प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चलाते हैं, घरानेशाही जो परिवारवाद और एकाधिकारशाही जो हुकुमशाही की हार है, एक बहुत बड़ा सबक है। एक ऐसे किसी को भी लोकशाही में अपने पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह नहीं चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन डिसीजन है और इसलिए मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये जनता की जो जनता के मन में था और हमारे सब कार्यकर्ताओं की ये जीत है। सर, डिस्क्वालिफिकेशन जो आपको किया है वो डिस्क्वालिफिकेशन उनका अधिकार नहीं था, उनका राइट नहीं था, ये स्पीकर ने ये भी बताया है कि उद्धव ठाकरे के पास वो अधिकार नहीं था और उनका डिस्क्वालिफिकेशन आपको करने की कोशिश करना ठीक नहीं था या आपको निकालना ठीक नहीं था सर। हाँ, तो ये उन्होंने जो गलत निर्णय लिया था और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने हमें रियल पार्टी और जो सिंबल है वो हमें दिया था क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी था। अभी हमारे पास मेजोरिटी है, असेंबली में भी है, पार्लियामेंट में भी है और इसलिए स्पीकर जी ने वो मेजोरिटी के हिसाब से हमें रियल पार्टी बना दिया है और इसलिए जो जिनके पास मेजोरिटी नहीं है वो हमें निकाल नहीं सकते। मेजोरिटी से हमको लीडर बनाया था तो मेजोरिटी से ही निकालना चाहिए, लेकिन एक आदमी हमको नहीं निकाल सकता, ऐसा स्पीकर ने कहा है और ये लोकशाही की जीत है। सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाने की बात की है सर, उद्धव ठाकरे, वो तो अभी डेमोक्रेसी में तो सबको कहीं पर भी जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि जो हमेशा जब उनके सपोर्ट में जो डिसीजन होता है तब चुनाव आयोग हो या कोर्ट हो वो उनके लिए अच्छा होता है। अगर मेरिट में जब फैसला होता है तो उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, जैसे आज भी आरोप लगाया उन्होंने मैच फिक्सिंग का मैनेज हुआ है, ये सब जो है ये हमेशा की आदत है उनकी। और उन्होंने तो 2019 में ही डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ की हुई है, लोकशाही के साथ खिलवाड़ की हुई है, क्योंकि अलायंस में चुनाव लड़ना और दूसरे पार्टी के साथ सरकार बनाना ये तो गलत था और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे हित में फैसला दिया है और स्पीकर ने भी हमारे हित में फैसला दिया है। सिर्फ हमारा व्हिप भी जो है उसको भी वैलिड ठहराया है और हमारे पार्टी शिवसेना को भी वैलिड किया हमारे साथ में, हमारे फेवर में, बट बिल्कुल लेकिन जो हमारे भी भरत गोगावले इन्होंने जो डिस्क्वालिफिकेशन का पिटीशन किया था उसको उन्होंने डिसमिस किया है। इसके खिलाफ में हम थोड़ा हमारे ऊपर अन्याय हुआ है और इसलिए हमारे जो लीगल टीम है उससे बातचीत करके हम आगे का निर्णय लेंगे। सर, एक और सवाल है सर, कांग्रेस ने राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जाने से मना किया है, उन्होंने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे दिया है सर कि वो... हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि राम मंदिर अयोध्या ये पूरे देश में एक बड़ा उत्साह है, जलोश है और पूरे राम भक्त, करोड़ों राम भक्त जो है वो बहुत आस्था से इस विषय को देखते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने उसे पूरा कर दिया है, योगी जी ने उसे पूरा कर दिया है और इसलिए सभी ने उसमें सहयोग देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जाना मना किया है। और हमारे महाराष्ट्र के उबाठा के पार्टी के लीडर भी ऐसे लोगों के साथ में जुड़ के काम करते हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।